अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन फोर्थ ईयर, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, तालीम की तारीख, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो पहला पॉइंट है अहदे नबवी में तालीम, दूसरा है अहदे खुलफाए राशिदीन में तालीम, बरसगीर में मुस्लिम तालीम का आगाज़, फोर्थ पे है मुगलिया दौर में तालीम, फिफ्थ पे है बरतानवी दौर में बरसगीर में तालीम, सिक्स में है चार्टर एक्ट, सेवन्थ में है वुड डिस्पैच, एट में है सर्जन रिपोर्ट, नाइन्थ में है लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट, टेंथ में है बरतानवी दौर में मुसलमानों की तालीमी तहरीकें, और नंबर 11 पे है तहरीक देवबंद, नंबर 12 पे है तहरीक अलीगढ़, और नंबर 13 पे है तहरीक निदवतुल उलमा, और 14 पे है अंजुमन हिमायत इस्लाम तहरीक, और 15 जो इसका लास्ट है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया मूवमेंट। ठीक है, ये हम सारे डिस्कस करेंगे। जो आज हमने डिस्कस करना है वो इसका जो पहला पॉइंट है वो हमने आज इसका डिस्कस करना है कि अहद नबवी में तालीम, ये इसका पहला पॉइंट है। और इसमें जो इसका पहला क्वेश्चन है कि तुलुए इस्लाम से कबल मुख्तलिफ माशरों में तालीम का मुख्तसर अहवाल बयान करें, ये क्वेश्चन भी इसका हो सकता है, और ये भी हो सकता है इसका दूसरा क्वेश्चन कि इस्लाम से कबल दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में तालीम की क्या सूरत हाल थी, मुख्तसर तौर पर तहरीर करें। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं हम, तुलुए इस्लाम से कबल अक्वामे आला में तालीम, तुलुए इस्लाम से कबल दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में तालीम मौजूद तो थी, लेकिन हर जगह इस पर मखसूस तबके की अजादारी थी। अब इसके अंदर जो इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है कि दुनिया के अहम तालीमी मराकिस, दूसरा पॉइंट है हिंदुस्तानी माशरा, तीसरा है अफलातून के ख्यालात, चौथा है अरस्तू के नज़रियात, और पांचवा है ईरान चीन और मिस्र। इस क्वेश्चन में ये पांच पॉइंट्स आएंगे। अब इसका हम पहला पॉइंट्स देखते हैं कि दुनिया के अहम तालीमी मराकिज, इस्लाम से कबल मिस्र चीन यूनान ईरान और हिंद को बड़े तालीमी मराकिज समझे जाते थे, यहाँ तालीम के हकूक सब लोगों को बराबर हासिल नहीं थे। दूसरा इसका पॉइंट है हिंदुस्तानी माशरा, हिंदुस्तानी माशरे में शूद्रों को तालीम हासिल करने की इजाज़त ना थी, बल्कि इन्हें तो ज़िंदगी के बुनियादी हकूक ही हासिल ना थे। तीसरा इसका पॉइंट है अफलातून के ख्याला, यूनान के मुफक्किर अफलातून ने अपनी किताब दी रिपब्लिक यानी जमहूरिया में जिन ख्यालात का इजहार किया है, इनके मुताबिक तालीम सिर्फ मखसूस तबकात को दी जाए। मखसूस तबकात से मुराद मराद याफ्ता तबका और आला ख़ानदान थे। चौथा क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट है इसका अरस्तू के नज़रियात, अरस्तू अगरचा बाज़ ख्यालात में अपने उस्ताद अफलातून से मुत्तफिक नहीं था, ताहम तालीम के सिलसिले में वो भी औरतों और ग़ुलामों की तालीम के हक में नहीं था। और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है ईरान चीन और मिस्र, ईरान चीन और मिस्र में भी तालीम सिर्फ आला तबके के लिए मखसूस थी और निचले तबके को तालीम का कोई हक ना था। इस्लाम ने सबसे पहले तालीम सबके लिए एजुकेशन फॉर आल का तसव्वुर दिया और दुनिया की काया पलट दी।
इस्लाम ने रंग नस्ल कबीले बरादरी के तसव्वुर को पाश पाश कर दिया और ऐसे गैर तबकाती निज़ाम की बुनियाद रखी जिसमें बिलाल हबशी उम्मत के लिए सैयदीना बिलाल करार पाए।